इंटरनेट बैन थी पिछले 7-8 दिनों से, कर्फ्यू सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया था गुवाहाटी पे, पूरे गुवाहाटी आसाम का बुरा हाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। सो हेलो एवरीवन और वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। वैसे नया तो कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट गोइंग टू बी एन अपडेट वीडियो, क्योंकि पिछले 10 दिनों में गुवाहाटी आसाम और मे बी सिर्फ गुवाहाटी आसाम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में पिछले 10 दिनों में बहुत कुछ हो चुका है, और मेनली जो हुआ है गुवाहाटी वालों आसाम वालों के साथ हुआ है, क्योंकि हम लोग के पास पिछले 10 दिनों से मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं थे एंड पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। आदमी मरे, बहुत सारे आदमी शहीद हो गए प्रोटेस्ट के चलते, बट ये सब किस लिए? सब बिकॉज कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो अब जाके बन चुका है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके चलते इतना सब कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है। तो अभी इन डिटेल में कैब क्या है, ये हर कोई कैब के बारे में बात कर चुका है, हर कोई बता चुका है कि ये बेसिकली है क्या और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है नॉर्थ ईस्ट के, और आसाम में सबसे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट किस लिए होने वाला है, और सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पर क्यों हो रहा है, सब बहुत जन बता चुके हैं। बट स्टिल अगर आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से पूरा डिटेल में जाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो मतलब जिन्होंने ये वीडियो ये टॉपिक को बहुत सुंदर से कवर किया, बहुत अच्छे से उन्होंने सब कुछ समझाया है। 5-6 दिनों के लिए गुवाहाटी में बैक टू बैक कर्फ्यूज लगे हुए थे, आप देख लो स्क्रीन में, मैं अभी फुटेजेस थोड़े थोड़े दिखाऊंगा कि जो GS रोड है गुवाहाटी का सबसे पॉपुलेटेड और सबसे मतलब क्राउडेड रोड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, वो रास्ते का क्या हालत हो चुका था, हर तरफ प्रोटेस्ट, हर कोई आंदोलन कर रहा था। इंटरनेट कनेक्शन काटा था और आज जाके कनेक्शन वापस आया है सुबह, तो लगभग 8 दिनों के बाद आया है। सो इस बीच में बहुत कुछ हो चुका है, मेरा चैनल में 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुका है, तो वेरी वेलकम टू ऑल द न्यू पीपल हु हैव रिसेंटली जॉइन टू दिस चैनल, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, और इसी तरह सपोर्ट बना के रखो। एक बहुत बड़ा गिव अवे आ रहा है जिसके बारे में लास्ट में बात करूंगा अच्छे से मैं, जो लोगों ने लास्ट वीडियो देखी थी और अगर सोच रहा है कि प्रेयर फ्लैग जो लगाया था रिसेंटली बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग वो कहाँ गया, तो उसके पीछे की स्टोरी बताता हूँ। मैंने लगाया था उसको फेविक्विक से और पता नहीं क्या हुआ, बट मतलब निकल के आ गया था वो फ्लैग, जैसे ही मैंने चलाना शुरू किया तो वो खुल के गिर जाएगा फिर बीच रास्ते में कहीं, तो वो अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए फ़िलहाल उसको घर में रख दिया है, तो जल्दी उसका भी कुछ ना कुछ और नया जुगाड़ करके लगा लूँगा। और इसी बीच ये एक पल्सर 220 का की रिंग जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा और मिल भी गया था तो ले लिया, और अभी तो फिलहाल ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल हो चुका है गुवाहाटी में, आसाम मतलब ऑल ओवर आसाम में, और ज़्यादा पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी क्योंकि हर किसी को पता है कि सही कौन है गलत कौन है, किसका क्या स्टैंड है, किसके अगेंस्ट क्या है, हर किसी को पता है। तो यार प्रोटेस्ट तो होगी और उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, अगर लोग इतना ज़्यादा उसको अपोज करें तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तो होगा कि लोग इतना ज़्यादा अपोज करें, नहीं तो लोग तो पागल नहीं है ना, जिन्होंने तुमको वोट दिया जिन्होंने तुमको जिताया वही अभी अगर तुम्हारे अगेंस्ट इतना ज़्यादा मतलब स्टैंड ले रहे हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। तो ये चीज़ जब तक सॉर्ट नहीं हो जाती, जब तक लोगों के मांग पूरी नहीं होती, प्रोटेस्ट तो चलेंगी गुवाहाटी में आसाम में, प्रोटेस्ट होंगी, पार्टिसिपेट करेंगे, हमारे जितने योगदान हम जितने योगदान दे सकते हैं अपनी तरफ से जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो चलो अभी तो फिलहाल रेगुलर वीडियोज आएंगे, अच्छे खासे प्लानअप्स है तो सब एग्जीक्यूट होगी। सो बेसिकली ये एक अपडेट वीडियो था कि मतलब सिचुएशन क्या चल रहे थे, क्या हालत है, सब कुछ बताना ज़रूरी था तो बता दिया। तो ठीक है, मिलते हैं घर पे, और जो गिव अवे का अपडेट है उसके बारे में जितने भी बातचीत है जाके घर पे मिलके बातचीत करता हूँ, ठीक है, बाद में मिलता हूँ बोल के वीडियो भले ही बंद कर दिया हो तो आपको साथ ही साथ दिखाने को मिल गया कि क्या है सीन। देखो अभी सामने चल रहा है एक प्रोटेस्ट, तो ये सब वही कैब के अगेंस्ट वाला प्रोटेस्ट है, पुलिस भी साथ ही साथ चल रही है साइड में, तो प्रोटेस्ट तो चलेंगे भाई साहब, प्रोटेस्ट जब तक लोगों को जो वो मांगते हैं वो नहीं मिल जाएगा तब तक प्रोटेस्ट तो होंगी, बट ऐसे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, तो किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहे, नो कैब जो अभी जाके बन चुका है का।
रुक के एक बार अच्छा से प्रोटेस्ट कवर करता हूँ। ओके सो रही बात अभी गिव अवे की, तो जो गिव अवे है वो गिव अवे कोई स्पॉन्सर्ड गिव अवे नहीं है। मेरे रिसेंटली 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, उसी के लिए मैं गिव अवे करने वाला हूँ। अब तो होने वाला है दो गिव अवे, ठीक है। जो पहला गिव अवे है वो होगा मीवी मूनस्टोन ब्लूटूथ स्पीकर का, और दूसरा जो गिव अवे होगा वो होगा पेटीएम कैश का, ठीक है। तो मतलब अभी गिव अवे में क्या देना, तो फिर पेटीएम कैश दूंगा। तो पेटीएम कैश के मतलब उसमें भी तीन पार्ट्स होंगे, एक हो गया एक होगा 10,000 का, एक होगा 5,000 का, एक होगा 2,000 का, ठीक है। तीन गिव अवे होंगे, तो टोटल चार गिव अवे होने वाले हैं। और जैसे कि जानते हो सब्सक्राइबर्स कम है, नया चैनल है तो चांसेस बहुत है जीतने के। तो यार अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर देना सब्सक्राइब, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों में भी बांट देना, उन लोगों को भी एक मौका दो जीतने का। तो गिव अवे कब होगा, उसमें एंट्री कैसे मिलेगी, वो सब इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में या फिर ये महीने के अंदर मतलब बता दूंगा, ठीक है। और ये कॉन्टेस्ट जो है 10 दिन के लिए चलेगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स मिल जाएगा गिव अवे का, एंट्री कैसे होगा, क्या सीन है, सब बता दूंगा, ठीक है। सो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दिस इज अभिषेक शर्मा साइनिंग ऑफ। जॉय आयो होम।